मॉर्निंग। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, सुप्रभात। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज के ब्लॉग सुबह से चालू कर रही हूँ। सुबह 5 बजे से 8 बजे तक कैसे रूटीन रहते हैं वो शेयर करूँगी। सबके घर में अलग अलग रूटीन होते हैं, हमारे घर में भी इस तरह की कुछ रूटीन जैसे है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? हो अब सभी अच्छे होंगे, अब बहुत बहुत खुश होंगे। सुबह के टाइम है, आज के ब्लॉग शुरू करती हूँ। बहुत सुबह से आज का ब्लॉग चालू किए हैं। अभी सुबह के बजे हैं 5:30। बहुत अच्छा सा सुंदर आज आबहवा है, हल्का हल्का बारिश हो रहे हैं। कल थोड़ा सा हुआ था लेकिन उसके बाद ज़्यादा नहीं हुआ, और एज यूजुअल थोड़ा सा बारिश हो जाएंगे तो उसके बाद काफ़ी थोड़ा गर्मी भी बढ़ जाते हैं। अभी सुन रहे हैं कि सभी जगह पे मोस्ट ऑफ स्टेट्स बारिश हो रहे हैं, अच्छी बात है, बारिश होना चाहिए। और थोड़ा सा ठंडा हवा भी इस समय चलते हैं, अच्छा लगते हैं। आज का रूटीन मैं शेयर करने जा रही हूँ, सुबह से 5 बजे से 8 बजे तक का रूटीन, कैसे मेरा रूटीन होते हैं आपके साथ शेयर करते हैं। आज बारिश गिर रहे हैं, कल भोर रात से ही बारिश हो रहा था और अभी सुबह के बजे है 5:15 के करीब है और अभी भी बारिश गिर रहे हैं। और अभी सुबह सबसे पहले मैं उठ के पी लेती हूँ पानी, बात ऐसे लगते हैं सुबह उठ के पानी पीना ज़रूरी होते हैं। कभी कभार हल्का गर्म पानी पीती हूँ, कभी कभार नॉर्मल वाटर ही पीती हूँ। सुबह उठ के बिल्कुल गर्म पानी मन नहीं लगता है, बहुत बार कोशिश की लेकिन मैं सुबह उठ के नॉर्मल पानी ज़्यादातर पीती हूँ। फिर इसके बाद हल्का सा कुछ एक्सरसाइज वगैरह कर लेती हूँ। इसके बाद हमारे जैसे ट्रेडिशन रहते हैं घर की साफ़ सफाई, उसमें मैं पहले अपना समय बिताती हूँ कुछ देर के लिए। ऐसे बोलते हैं ना, घर के लोग जब बाहर निकलते हैं उसके पहले घर में थोड़ा झाड़ू दे देना चाहिए, तो इसी प्रथा से ही हम थोड़ा सा झाड़ू लगा देते हैं और कुछ हल्का सा डस्टिंग भी कर लेते हैं। कुछ जैसे रात में मैं नॉर्मली किचन जो है उसको साफ़ करके रख देती हूँ, बर्तन वगैरह धोने के बाद जो है वो सुबह ही सेट करती हूँ। लेकिन घर का कुछ ठीक ठाक अगर बिखर जाए, रात में कभी कभी ऐसे होते हैं हल्का सा बिखर गए, तो उसको सुबह ठीक ठाक कर देती हूँ। फिर इसके बाद मुझे मैं आ जाती हूँ किचन में, नाश्ता और लंच के प्रिपरेशन इस समय करती हूँ। नाश्ता के प्रिपरेशन में जैसे आज मैं बना रही थी पोहा, तो कभी कभार अलग अलग चीज़ें बनते हैं, कभी पराठा, कभी ब्रेड सैंडविच, इस तरह से कुछ ना कुछ बनते रहते हैं। और उसके साथ मैं लंच का प्रिपरेशन भी कर लूँगी। हमारे इधर सुबह इस लंच का प्रिपरेशन मुझे करना पड़ता है क्योंकि जैसे कि हर घर में अलग अलग रूटीन रहते हैं, तो इसी कारण हमारे घर में भी सुबह सब बाहर चले जाते हैं अपने ऑफिस और स्कूल कॉलेज जो इसमें जाना पड़ते हैं, तो इनके लिए टिफ़िन पैक करना ज़रूरी हो जाते हैं। तो इसलिए सबसे पहले मैं ये जो किचन का काम है उसको पहले निपटा देती हूँ, फिर उसके बाद 8 बजे तक इसको कंप्लीट करने की कोशिश कर लेती हूँ, टिफ़िन पैक वगैरह सब कुछ। फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा अपने लिए समय बिताती हूँ। तो इस तरह से मेरा रूटीन रहते हैं। तो आज का जो रूटीन मैं आपको दिखाऊंगी वो सुबह 5 बजे से 8 बजे तक का रूटीन कैसे क्या होती है। सुबह सबसे पहले मैं नहा लेती हूँ, फिर उसके बाद ही मैं किचन में चाय बनाना, कुकिंग वगैरह सब करती हूँ। तो फिलहाल आज मैं बना रही हूँ पोहा। पोहा की रेसिपी आप सबको पता है, फिर भी मैं मेरे चैनल में कई बार दिखाई भी है, इसीलिए मैं आज वो शेयर नहीं कर रही हूँ। और अब कि आजकल फ्रोज़न मटर अच्छा सा खासा मिल जाते हैं, वो भी हम लोग रख देते हैं कभी कभार ला के, और उसको स्टोर करके आसान से रख सकते हैं, बाद में जब
विंटर चले जाते हैं उस समय हम यूज़ करते हैं। तो आज मटर भी डाली थी, थोड़ा सा प्याज डाली थी, थोड़ा सा टमाटर काट के डाली थी और इस तरह से पोहा बना लिए। फिर इसके बाद मैं लंच का प्रिपरेशन कर रही थी। लंच में आज रोटी चावल दोनों ही बनेंगे और इसके बाद सुबह कुछ रोटी हम पैक करेंगे और कुछ नाश्ते के तौर पे खाए जाएंगे। तो इसीलिए आज रोटी बनाना है और उसके साथ पड़वाल बनाना है और एक साग भी बनाना है। कुछ सब्जी मैं काट काट करके रख दूँगी इस समय अगर टाइम मिले तो बाद में मैं काम आ जाएगी नेक्स्ट डे, नहीं तो आज कुछ अलग प्रिपरेशन करेंगे तो उस समय काम हो जाएगी। और अभी आज मैं पड़वाल बना रही हूँ। पड़वाल इस तरह से हम कट ऑफ कर देते हैं, थोड़ा सा हल्का हल्का छील कर रख देते हैं और इसके बीच बीच में थोड़ा सा कट कर देते हैं, तो इसलिए जब भी हम पकाएंगे तो अच्छी तरह मसाला इसमें आ जाएगी। तो तेल में ऑयल में मैं डाली थी थोड़ा सा जीरा और उसके साथ सूखी ड्राई रेड चिली जो होते हैं वो मैं डाली हूँ, तेज पत्ता, उसको डाल के हल्का ब्राउन होने तक पड़वाल को फ्राई कर लूँगी। पड़वाल फ्राई होते रहते हैं और उसके साथ साथ मैं दूसरा कुछ भी कर लेती हूँ, चाय बना लेती हूँ। सुबह हमारे घर में चाय कंपलसरी है सबको, यानी मुझे एक कप चाय, कभी कभार मैं बाद में भी खाती हूँ 8 बजे के बाद जब नाश्ता और टिफ़िन वगैरह पैक हो जाते हैं उस समय आराम से मैं चाय पी लेती हूँ। तो कभी कभार मैं सुबह थोड़ा सा चाय उस समय भी पी लेती हूँ। तो टिफ़िन करते हैं कब कौन सा, अगर ज़्यादा मन चाहे तो ले लेती हूँ नहीं तो नहीं लेती हूँ। चाय बन गया है, इसके साथ साथ उसके साथ मैं एक ही साथ 2-3 जो काम है वो कर लेती हूँ। चावल चढ़ा दूँगी, उसके साथ आटा भी लगा दूँगी और इसके साथ साथ और एक सब्ज़ी बनाना है वो भी काटूँगी। और अभी पड़वाल इसमें हम मसाला हल्का सा ब्राउन हो गए हैं, इसमें हम थोड़ा सा मसाला जैसे नॉर्मल आमतौर पे जो यूज़ करते हैं वही मैं डालूँगी, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, अब चाहे तो थोड़ा सा और रेड चिली पाउडर डाल सकते हैं। और इसके साथ अब जो मैं मसाला घर में बनाती हूँ उसमें रेड चिली मैं यूज़ कर लेती हूँ, जैसे जीरा पाउडर बना रही थी उसके साथ सूखी जो लाल मिर्च होते हैं उसको हल्का सा भून के फिर जो मसाला तैयार करती हूँ उसमें हल्का सा रेड टाइप कलर आ जाते हैं। तो इसीलिए जब भी अलग से लाल मिर्च पाउडर यूज़ नहीं करने से ही चलते हैं। और इसके साथ गरम मसाला पाउडर मैं यूज़ करूँगी, हल्का सा पानी डालूँगी और कवर करके छोड़ दूँगी। और भी एक रेसिपी होते हैं दही पटल जो है, दही पड़वाल, वो भी उस रेसिपी जब कभी बनाऊंगी तो शेयर करूंगी। आज मसाला वाला पड़वाल मैं बना रही हूँ। और इसके बाद मैं रोटी भी बन गया है, इसमें मैं घी डाल के नहीं तो बटर डाल के कभी कभार उसको अच्छे से दोनों हाथ से इसको मल के फिर हम रख देंगे। और इससे रोटी में थोड़ा सा घी नहीं तो बटर डालने से काफ़ी सॉफ्ट बन जाते हैं। वैसे जो रोटी मैं बनाती हूँ उसमें सॉफ्ट ही बनते हैं, फिर भी कुछ देर बाद 3-4 घंटा बाद जब खाएंगे तो उस समय ये कड़क नहीं लगे, इसलिए मैं यूज़ कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स अभी फिर से मैं थोड़ा सा किचन से आई हूँ, मन करता है कुछ देर के लिए 2-3 मिनट के लिए बाहर आके एक बार देख लूँ, थोड़ा सा फुर्सत भी मिल जाएंगे इस बहाने और थोड़ा सा बातचीत भी हो जाएगी। तो वीडियो पसंद आए तो ज़रूर इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो अभी फिर से मैं नेक्स्ट किचन में जा रही हूँ। पड़वाल बहुत ही आसान से अभी हो जाते हैं तो इस खास कुछ नहीं है, फिर भी आज सूखा पड़वाल जो बनाई थी वो आप रेसिपी शेयर कर रही हूँ। और नेक्स्ट अपकमिंग जो वीडियो आएगी उसमें भी मेरा रूटीन का कुछ रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी। कैसे लगे मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। परवल अभी काफ़ी हो गए हैं, इसमें नॉर्मल आमतौर में जो मसाले यूज़ करते हैं वही डालूंगी, हल्दी, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्च, थोड़ा सा नमक,
मिष्टी यानी है थोड़ा सा चीनी डालूंगी और इसको कवर करके रख दूंगी। हल्का सा गरम मसाला और घी डाल दूंगी। अभी लगभग 8-10 बज चुके हैं, मेरा मोस्ट ऑफ लंच और कुकिंग कंप्लीट हो चुकी है। खाना पैक करना है, इसमें और 10 मिनट लगेगी और फिर सबको टाटा बोल के थोड़ा सा और फिर मैं आती हूँ और इसके बाद मैं आराम से एक कप चाय पीऊँगी। तो 8:30 बजे तक बजने लगे हैं और सुबह का रूटीन कंप्लीट हुआ है और इसी के साथ आज का वीडियो यही पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग। बाय बाय। आज मैं लंच करने के समय ट्रेडिशनल थाली में खाना परोसी, उसमें कॉलीफ्लावर था, परवल तो था ही और उसके साथ और एक साग था।